तो हमें अपडेट के मुताबिक से ये मालूम चला है कि सिटी सर्विस मैक्सिकेप एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ के जो ट्रेकर चार्जेस को लेकर रेट को लेकर कम कर दिया गया है, तो उसको लेकर हम यहाँ आए हुए हैं और उन्हीं से यहाँ के जो ट्रेकर यूनियन है उनसे पूरी डिटेल्स को लेते हैं। तो आइए हमारे साथ। हाल ही में अपडेट के मुताबिक से यहाँ का जो ट्रेकर स्टैंड का जितने भी चार्जेस थे रेट था जो कि मोर देन 50 से लेकर 100 तक चढ़ गया था, और सभी को मालूम होगा कि लॉकडाउन कोविड-19 के चलते रेट किस तरह से आसमान छू गया था। मगर बहुत ही खुशी की बात है कि हमें अपडेट के मुताबिक से ये मालूम चला है कि ये जितने भी ट्रेकर के रेट्स थे तो वो बहुत ही कम हो गया है। तो उन्हीं के साथ हम उसके पूरे डिटेल जानने के लिए आए हुए हैं। हाँ, थैंक यू। तो मेरा नाम है ताचो दायम गोंगली, सिटी सर्विस मैक्सिकेप एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी यानी कि ट्रेकर यूनियन का। हमारा नाहरलगन ईटानगर का जो हमारा जो अभी ट्रेकर चलता है, तो फिलहाल हम लोग ने 2019 में हमारा जो कैपिटल डीसी और हमारा डीटीओ, तो हम लोग ने सब मिल के हमारा टीम आफ्ताब और हमारा यहाँ का सिटी सर्विस मैक्सिकेप एसोसिएशन लोग मिल के हम लोग ने एक रेट पैनल किया था। तो उसी में हम लोग का रेट जो नाहरलगन टू ईटानगर का 50 रुपया था। तो उसी चलते हुए तो सडनली बीच में कोविड-19 जो हमारा कोरोना का जो ये बीमार वैक्सीन जो बीमारी आ गया था, तो उसी समय में तो SOP मेंशन करना है बोल के हमारा DC कैपिटल हमारा द्वितीय जो हम लोग को एक ऑर्डर कॉपी दिया था। तो जैसे भी हो सिर्फ 5 आदमी बुकना है और ड्राइवर को मिला के 6 आदमी है। तो उसी मैदम से हमारा जो हमारा ट्रेकर जो यूनियन हमारा मैक्सिकेप जो हम लोग SOP को मेंटेन करके चल रहा था, तो उतना बहुत बढ़िया से चल रहा था। तो अचानक में उधर आगे पीछे में यह हो गया कि पैसेंजर जो डबल ट्रबल उठना शुरू हो गया। इस दिन से तो हमारा 5 आदमी ले जाता है, लेकिन बैंक तिनियाली में आ गया या पापूनाला 6 किलो में उठ गया तो पैसेंजर लोग तो बोलता है अरे गाड़ी काली है हमको उठने देना है। इसी तरह से हमारा ड्राइवर लोग भी मना नहीं कर सका है। तो उसी मैदम से हमारा यहाँ जितना भी पब्लिक हमारा जनता लोग और हमारा प्रेशर ग्रुप लोग बहुत कंप्लेन आया है कि ट्रेकर जो हमारा सिटी सर्विस मैक्सिकेप एसोसिएशन जो यहाँ का हमारा ड्राइवर गाड़ी मालिक लोग SOP मेंटेन नहीं कर रहा है बोल के ऐसे कुछ कंप्लेन आया था। तो उसी मैडम से अभी हम लोग ने कल हमारा कैबिनेट मीटिंग बिता है, रेजोल्यूशन पास किया है कि हम लोग जो जो 2019 का जो रेट है उसी रेट को हम लोग अभी से फॉलो करेंगे, यानी कि आज से हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हमारा कैपिटल DC और हमारा DTO कैपिटल का और हमारा टीम आफ्ताब का हमारा जितना भी हमारा मैक्सिकेप एसोसिएशन का हम लोग जितना भी आज से हम लोग का हमारा ड्राइवर गाड़ी मालिक लोग को भी हम लोग ने कल सर्कुलर बात दिया, आज से हम लोग रेट पहले जैसा है ऐसा ही लेंगे बोल के हम लोग ने शुरू कर दिया। और आप अभी भी देख सकता है हम लोग अभी 10 आदमी ही बुके गए, पहले 5 आदमी था पैसेंजर, हम लोग अभी 10 आदमी बुकेगा। 10 आदमी में हमारा एक पैसेंजर को हम लोग ने 50 रुपया का बात कर लिया है, क्योंकि नाहरलगन ईटानगर हम लोग का 50 रुपया ही लेना है बोल के। तो वो गवर्नमेंट का ही रूल है और गवर्नमेंट का ही जो हम लोग को रूल बना के दिया है उसी को ही हम लोग अभी मेंटेन कर रहा है और हमारा ड्राइवर गाड़ी मालिक भी वही फॉलो कर रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहता है क्योंकि 100 रुपया भी हवा में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ से नाहरलगन तक ना, और कोई कोई जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा पाता है, और बट थैंक यू बोलता है कि जो मतलब इसको कम कर दिया, और थैंक यू मेरा तरफ से। हम लोग के लिए तो बहुत उस दिन वालों के लिए ना सबसे बहुत तकलीफ समय था जब 100 रुपीज़ हो गया था, अभी बहुत खुशी है 50 रुपया हो गया। सर स्टूडेंट के लिए तो सब कुछ ठीक ही हो गया ना, जैसा नॉर्मल हो जाना चाहिए था, क्योंकि बीते दम तक लॉकडाउन समय में हम लोग भी बहुत रैगिंग सिस्टम हुआ है ना, जैसे कि आना जाना के लिए भी हम लोग को पैसा होना पड़ता है, नहीं हुआ है बोलना से हम लोग का जितना भी काम है नहीं होता है। तो अभी बिल्कुल ठीक है सब कुछ। फिर जितने भी आपने रेट्स बताया है ये ओनली आपके जो ट्रेकर है उस पर ही लागू है या जितने भी टेम्पोस ऑटोस होते हैं यहाँ के उसके ऊपर भी होगा? यहाँ में ऐसा है हमारा कैपिटल DC और हमारा कैपिटल DTO जो सभी को ऑर्डर दे दिया, लेकिन फिलहाल अभी जो हम लोग जो किया है कि हमारा यह हमारा ट्रेकर यूनियन को ही हम लोग खुद किया है, क्योंकि उसी में अलग अलग का यूनियन है, क्योंकि टीम आफ्ताब है लेकिन हमारा ऑल अरुणाचल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है हमारा दोबिंग सोनाम जी प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट और तार काहा जी सेक्रेटरी जनरल, तो उसी को इंटीमेशन दिया था, उसी का मैडम से हम लोग ने अभी अपना अपना यूनिट को हम लोग ने रेट को जैसे DC और DTO जो दिया है उसी तरह से हम लोग अभी रेट को बना के आज फाइनल करके आज हम लोग को गाड़ी को चलने दे रहा है। अगर कोई भी प्राइवेट ट्रेकर जो अपने अपने चलाते हैं उनमें से किसी ने भी अगर ये रूल्स या नोटिस को अगर नहीं माना तो उसको एक्शन किस तरह से लिया जाएगा?
फिलहाल उसी में हम लोग का रिजोल्यूशन पास करके रखा है, क्योंकि अगर ये रेत को अगर कोई हमारा ड्राइवर और गाड़ी मालिक कोई फॉलो नहीं करता है, 50 रुपया से अगर कोई 100 रुपया लेता है तो उसको हमारा यूनियन जो पिकअप नहीं करेगा, डायरेक्ट वो हमारा गवर्नमेंट ये यानी कि या लो एंड ऑर्डर ये पिकअप करेगा गवर्नमेंट जो, तो उसी में हम लोग अभी रिजोल्यूशन पास करके दिया हुआ है। क्योंकि उसी में इसलिए रिजोल्यूशन पास किया है कि क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी हमारा ड्राइवर गाड़ी मालिक को हम लोग ने बता दिया और बोल भी दिया है कि आज से 50 रुपया लेना है, इनकेस कोई अगर ले लेता है तो उसको यूनियन पिकअप नहीं करेगा और कोई सीधा वो गोमे नहीं उसको पिकअप करेगा। तो एज एन लाइक ट्रकर यूनियन के जितने भी आप लोगों को टीम्स है, ऐसा कंप्लेन मिला गया था कि ये जो पेट्रोल के प्योर के जो रेट होते हैं उसका हाई होने के कारण जो रेट जो भरा गया था ऐसा बोला है, तो अभी क्या उसका अपडेट है? आप लोग ऐसे लॉसेस में जाएगा क्योंकि आप लोग का ये भी एक बिजनेस है, यहाँ से सभी आपका पेट पालते हैं सभी लोग, तो उसको कैसे आप लोग किस तरह से मैनेज करेगा? तो उसी को हम वही कहना चाहता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारा ये पीमा खंडू सर जी को भी और हमारे कैपिटल डीसी हमारा कुंकर दुलाम सर जी को भी और हमारा द्वितीय चकपा वांगसू जो को भी हम वही अपील करना चाहता है। अभी हमारा जो डीजल है हमारा जो या हमारा ट्रेकर का जो तेल पीता है बहुत हाई रेट में है, फिर हम वही सोचता है कि हमारा गवर्नमेंट जैसे हम लोग को डायरेक्शन देता है वही हम लोग का चलता है, अगर गवर्नमेंट उसको सोच के अगर थोड़ा सा और कंसीडर कर देने से बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अभी नाहरलगन ईटानगर 50 रुपया है और अभी डीजल का दाम है 73-74 रुपीज़ है, तो उस मैदान से अगर सोचने से हमारा तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी गवर्नमेंट जैसे डायरेक्शन देगा ऐसा ही हम लोग चलेंगे और हमारा जैसे हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन हमारा आफ्ताब है वो उन्होंने जैसे डायरेक्शन देगा हम ऐसे ही चलेंगे। तो पब्लिक को आम जनता को और हमारा जितना भी हमारा ये पब्लिक है और हमारा जितना भी स्टूडेंट है और हमारा जितना भी ये अरुणाचल का वासियों और ईटानगर कैपिटल का जितना भी हम रिक्वेस्ट है, हमारा ट्रेकर अभी से 50 रुपया ही लेंगे नाहरलगन ईटानगर और जितना भी हो सकेगा आप लोग हम पब्लिक से रिक्वेस्ट है जहाँ तहाँ आप लोग कंप्लेन नहीं देने से ठीक है, हम यूनियन है, यूनियन का ऑफिस ऑलरेडी पापुनाला में है, अगर कोई कुछ ज़्यादा हमारा ड्राइवर कुछ कुछ करता है या ज़्यादा लेता है तो प्लीज़ यूनियन को आप लोग इंटीमेशन दे दीजिए और यूनियन का ऑफिस उधर ही है सिटी सर्विस मेक्सिकन एसोसिएशन और ये नाबम निकिया का कॉम्प्लेक्स में है पापुनाला में, हमारा ट्रेकर ऑफिस उधर में है, डायरेक्टली आप लोग गवर्नमेंट में डायरेक्ट कंप्लेन नहीं जाने से ठीक है, क्योंकि यहाँ में छोटा सा चीज़ है, छोटा सा चीज़ में हम लोग अपना ही अंदर में टेकअप करने से ठीक होगा, क्योंकि इतना छोटा सा चीज़ को हाई लेवल में और डीसी में कंप्लेन देना भी ठीक नहीं है। मैं पब्लिक से अपील है और स्टूडेंट से भी अपील है जितना भी हो सकेगा आप लोग का मैडम से हम लोग ने आज रेत को जैसे हमारा कैपिटल डीसी और डीटीओ का तरफ से हम लोग ने आज पैनल कर दिया। थैंक यू। जैसे कि आप सभी ने अभी जितने भी सारे यहाँ के जो यूनियन के तरफ से भी अपडेट को सुना और साथ ही साथ यहाँ के जो कस्टमर जो पैसेंजर्स होते हैं उनसे भी आपने फीडबैक सुना होगा किस तरह से वे अभी जो रेट कम किया गया है उसको आप लाभ बताएंगे, और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कई सारा कैटेगरीज वेजिटेबल से लेकर ऐसे कई चीज़ों में भी अभी तक रेट जो होता है लॉकडाउन के ऊपर में जो लागू किया गया तो वही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे रेट चेंजेस का अपडेट भी हम दूसरी तरफ से लेंगे। आई एम राके आगम दुई विद तान्या यापा रिपोर्टिंग फ्रॉम ईटानगर फॉर ईस्ट न्यूज़।